दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी पर नहीं भेजना चेन्नई को काफी महंगा पड़ा। इस सीजन में जमकर बोल रहा है जडेजा का बल्ला और कप्तान धोनी खुद उनसे पहले आ गए। हालांकि कप्तान धोनी अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल धोनी फॉर्म में नहीं है और ऐसे में जो खिलाड़ी फॉर्म में है उसे ऊपर भेजना चाहिए। जडेजा को ऊपर भेज देते, 5 नंबर पर अगर जडेजा को बल्लेबाजी के लिए भेज देते तो शायद टीम का स्कोर 150-160 के पार भी जा सकता था, क्योंकि जडेजा जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो टीम को प्रेशर की सिचुएशन से बाहर निकाल सकते थे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था केकेआर के खिलाफ, जब टीम को मात्र 10 गेंदों पर 24 रन चाहिए थे और जडेजा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को न सिर्फ जीत दिलाई बल्कि अंक तालिका में टॉप पर भी पहुंचाया। जडेजा ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। फैंस की मांग यही थी कि जडेजा को 5 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए अगर भेज दिया जाता तो जडेजा 10 से 15 गेंदों पर 30 से 40 रन बना लेते और टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच जाता। आप हमारी बात से सहमत है कि जडेजा को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में है टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत ऊपर ही रहेगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप जानकारी चाहते हैं आज का आईपीएल मैच कौन सी टीम जीतने वाली है, तो आपको इसकी प्रिडिक्शन की जानकारी एक्यूरेट प्रिडिक्शन सुल्तान क्रिकेट प्रिडिक्शन करने वाले हैं। व्हाट्सएप नंबर इनके दियो स्क्रीन पर, इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएंगे। सुल्तान क्रिकेट प्रेडिक्शन से आप सभी तरह की जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि टॉस कौन सी टीम जीतने वाली, किस टीम को इस मैच में पूरी तरीके से जीत हासिल होने वाली है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं।